राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप के अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो में जो भी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ ना, आपको काफी पसंद आने वाले हैं। और देखिए, जीरो कॉस्ट में सारे टिप्स होने वाले हैं, लेकिन हाँ, आपको बहुत ही इनसे हेल्प मिलेगी, समय बचेगा आपका, मनी सेविंग भी कर पाएंगे घर बैठे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो हमारा टिप्स होने वाला है, वो होने वाला है इस तरीके का शॉपिंग बैग को लेकर। तो इस तरीके के जो शॉपिंग बैग होते हैं ना, हमारे घरों में अक्सर सभी के आते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये थोड़े से पुराने हो जाते हैं, या तो हम इनको फेंक देते हैं या फिर ऐसे इसमें कोई सामान वगैरह भर के रख देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने किचन के लिए या अपने गोदरेज के लिए बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना के रख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी अपने सामान को व्यवस्थित करने में। तो देखिए कितना आसान तरीका बताया मैंने आपको बनाने का, आप भी बना लीजिएगा फ्रेंड। और देखिए, आप ना इसे अगर अलमीरा में रखते हैं ना, तो आपके जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना बच्चों के, या फिर आपके, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएंगे। ये देखिएगा, वैसे तो ये थैला है, इसमें भर के भी रखे जा सकते हैं, लेकिन देखिए अगर आप इस तरीके से एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बना लेंगे ना, तो ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तो समझिएगा, अगर जहाँ पे भी आप इसे रखेंगे तो कितना सुंदर ये लगने वाला है। और देखिए ये जो ना, बिल्कुल भी मैंने कहीं से भी इसमें सिलाई नहीं लगाई है, बिना सिलाई के ही बना के तैयार कर लिया है। आशा करती हूँ मेरा छोटा सा आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। चाहे तो आप इसमें नीचे की तरफ से कार्डबोर्ड काट के भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये लीजिए फ्रेंड, किचन का सामान रख सकते हैं, फिर आप कपड़े वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है कुमकुम को लेकर। तो इस तरीके की जो कुमकुम होती है ना, हम सभी लेडीज लगाती हैं। होता क्या है ना, ये कुछ दिनों बाद ना सूख जाती है, और हमें तो ये होता है कि खाली हो गई, लेकिन ये खाली तो नहीं होती है पूरी तरीके से, और इसमें ना नीचे सिंदूर रह जाता है, लेकिन वो सूख जाता है। या फिर खाली भी हो जाती है तो आप ना दोबारा से इसे लिक्विड सिंदूर बना सकते हैं। आपके पास जो सिंदूर होता है ना सूखा वाला, वो आपने ले लेना है, और इस खाली बोतल में ये देखिए इस तरीके से फिल कर लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसमें फिल भी हो जाता है। ये अभी तो ये सूखा है, अब हम इसे गीला कैसे करें। तो देखिए इसमें हमें एक चीज की जरूरत और पड़ती है, यहाँ पर हमें चाहिए होगा गुलाब जल। तो गुलाब जल हम लेडीजों के पास होता ही है फ्रेंड। तो आपने ना थोड़ा सा गुलाब जल इसमें टपका देना, यानी कि दो चार ड्रॉप डालने आपने, एक बार में ज्यादा नहीं डालेगा, वरना ऐसा हो सकता है ना कभी ये ज्यादा ही पतला हो जाए सिंदूर आपका। इस तरीके से शेक कर दीजिएगा, थोड़ा सा हिला दीजिएगा इसे, तो बहुत अच्छे से ना ये मिक्स भी हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको अभी लगा के भी दिखा देती हूँ, कितना प्यारा सिंदूर हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए सूखा सिंदूर था, लेकिन अब देखिए ये एकदम लिक्विड हो चुका है। आशा करती हूँ मेरा छोटा सा आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट चीज होने वाली है पुराने दुपट्टे को लेकर। देखिए यहाँ पर मैंने पुराना दुपट्टा लिया हुआ है, और एक तरफ से मैं इसमें प्लेट डालते हुए पकड़ लेती हूँ एक एक किनारी से। तो यहाँ पर देखिए अब हम करेंगे क्या, इसमें ना ऊपर की तरफ या तो आप गांठ बांध सकते हैं, या फिर कोई डोरी बांध सकते हैं, या फिर एक रबड़ बैंड लगा सकते हैं। जौन सा भी तरीका आपको सबसे ईजी लगे आप वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने रबड़ बैंड लगा दिया, यही सबसे आसान तरीका मुझे लगा था। अब देखिए इसे यूज कैसे करेंगे फ्रेंड। तो इसे यूज करने जा रही हूँ मैं इस तरीके से, सुरैक जो हमारे घरों में होती है, तो सभी की सुरैक के ऊपर जो कवर नहीं होता है, तो आप देखिए कितने अच्छे से कवर बना पाएंगे। ये देखिए ना तो आपको सिलाई करनी पड़ी है, और ना ही कहीं से आपको कटिंग भी करनी पड़ी है। ये देखिएगा इस तरीके से सुरैक पे डाल देंगे, जहां से हमने ये बांधा था वो साइड अंदर की तरफ कर देंगे, और ये देखिए इस तरीके से आप इस पर डाल दीजिए। जूते निकालने का जो रास्ता है ना, मतलब ये भी आपको अच्छे से यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से आपने कपड़ा हटाना है, तो यहाँ से आप सूज निकाल लीजिए और दोबारा से फिर यहीं से रख दीजिए। तो है ना कितना अच्छा सा जुगाड़ है फ्रेंड। आशा करती हूँ ये छोटा सा जुगाड़ भी आपको बेहद पसंद आया होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ पर इस तरीके के जो कंटेनर होते हैं, हम लेडीजों के किचन में मिल ही जाते हैं। तो ये वाला जो कंटेनर है ना, मुझे बहुत प्यारा लगता है, सोचा चलो इससे कुछ खास मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक चूड़ी ली है, और चूड़ी आपने मेटल की है फिर प्लास्टिक की ही लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक चूड़ी भी ले ली है। अब देखिए इसमें कितनी अच्छी सी चीज आपको बना के दिखाने वाली हूँ। आपने सोचा भी नहीं होगा कि सिंपल सा कंटेनर जिसकी लीड भी अलग है, उससे हम इतना बढ़िया कुछ बना सकते थे। तो यहाँ पर मैंने टेप ली है, और टेप को ना मैं एक किनारे पे सेट कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए चिपकाना है इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर ये चिपकाया है। ये देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर मैंने चिपका दिया है। अब हम करेंगे क्या, देखिए इसमें ना हमें ये बैंगल जो हमने ली थी ना, ये और सेट करनी है। ये देखिएगा, तो ये जो ना लीड जो है ना, इसकी ये थोड़ी सी इसके साथ ना ज्वाइंट हो गई है, अलग नहीं होनी चाहिए, जुड़ी रहनी चाहिए, बस इतना ही आपने करना है। तो यहाँ पर मैंने ये ज्वाइंट कर लिया अच्छे से। अब जो हमारे पास ये बैंगल है ना, बैंगल को भी हम इसमें इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से इस तरीके से आपने रखना है, और यहाँ पर भी आपको
थोड़ा सा मजबूती के साथ टेप मार देना है। ये दिखेगा, ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपने टेप लगा देना है। और अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बनाया है। हाँ फ्रेंड, ये बनाया मैंने छोटा सा एक डस्टबिन, क्योंकि किचन में हमें कुछ ना कुछ कचरा डालना रहता है और हम मतलब बार बार बाहर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि हम बड़ा डस्टबिन होता है ना तो वो बाहर में ही रखते हैं। तो किचन के लिए आप छोटा सा डस्टबिन बना के रेडी कर सकती हैं जीरो कॉस्ट में, वो भी एक पुराने से डिब्बे से। यहाँ पर देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से ये खुल भी जा रहा है और ये बंद भी हो जाएगा। आशा करती हूँ मेरा ये छोटा सा आइडिया भी आपको बेहद पसंद आया होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने छोटा सा एक डस्टबिन भी बना के रेडी आज कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कपड़े धोने का ब्रश। तो इसका इस्तेमाल आप सभी को पता है फ्रेंड कि इसका इस्तेमाल होता है कपड़े धोने में। तो यहाँ पर देखिए, आप जो देख पा रहे होंगे इसके जो दांते होते हैं, ब्रसल होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम कपड़े वॉश करते हैं, लेकिन होता क्या है ना, इससे हम हर तरीके के कपड़े वॉश नहीं कर पाते हैं। अब आप कहोगे कपड़े क्यों नहीं वॉश कर सकते, नहीं कर पाते हैं फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ उसका रीजन, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, मतलब हमारे पास ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी कढ़ाई वाले होते हैं। देखिए जैसे मेरे पास है अभी ये, इसमें ना काफी मतलब हैवी कढ़ाई है और इसमें पूरे पे ही वर्क है। इसमें यहाँ पर ये सिक्वेंस का वर्क है, अगर मैं इस पे ब्रश लगा दूंगी तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम शादी पार्टी में जाते हैं या फिर घर पे रहते हैं तो हमारे कपड़ों पे दाग वगैरह लग जाता है खाने पीने की चीजों का, जो बहुत ही ज्यादा भद्दा लगता है और हमें ना ब्रश चलाना ही पड़ता है, वो हाथ से साफ नहीं होता है। अब इतनी कढ़ाई है इस कपड़े पे तो इसको तो हम मतलब के इस तरीके से ब्रश नहीं मार सकते, अगर हम इस पे ब्रश लगाएंगे तो हमारे जो कपड़े की कढ़ाई है वो हो जाएगी खराब। ये देखिए फ्रेंड खराब हो जाएगी, यहाँ से कितने सारे धागे निकल रहे हैं। ये धागे तभी निकलते हैं जब हम इन पे अनजाने में ब्रश लगा देते हैं। तो आपने ब्रश नहीं लगाना है, आपने देखिए अगर ब्रश लगाओगे ना इस तरीके से ये देखिए फंस जाएगा, है ना, फंस जा रहा है ना। अगर इस तरीके से हम ब्रश चलाते हैं तो हमारे कपड़े की जो कढ़ाई है वो खराब हो जाएगी और जो हमारा महंगा कपड़ा है, हमारा ड्रेस है, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और एक बार धागे अगर टूटने शुरू हो गए तो समझ लीजिए आपकी पूरी की पूरी ड्रेस खराब हो सकती है। तो अब आपने करना क्या है, आपके पास कोई पुराना सॉक्स रखा है ना घर में, आपको वो ले लेना है। हाँ फ्रेंड, वैसे भी तो सॉक्स धोते ही है डेली में घर में, सभी जो जेंट्स होते हैं ड्यूटी जाते समय सॉक्स पहनते हैं, तो वही आप लगा लीजिएगा, सॉक्स भी धुल जाएगा और आपका कपड़ा भी धुल जाएगा, अलग से आपको रखने की जरूरत भी नहीं है। तो आप ये देखिए इस तरीके से ब्रश के ऊपर ना ये लगा दीजिए, और फिर इसे लगाने के बाद आप इस तरीके के कढ़ाई वाले कपड़े भी आराम से वॉश कर पाएंगी। ये देखिए अब इसमें ना तो कोई भी उलझन हो रही है, कढ़ाई वगैरह इसकी खराब नहीं होगी। इस तरीके से आप अपने कपड़ों को भी वॉश कर सकती हैं। तो कैसी लगी वीडियो फ्रेंड, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।